फटीक समाज पंच महासभा समिति उदयपुर द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज कलश यात्रा निकाली गई। श्री खटीक समाज पंच महासमिति का मैं अध्यक्ष किशन लाल बोल रहा हूँ। हमारे समाज के धार्मिक उत्सव 3 दिन का धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें है जो यानी कल श्री गणेश जी का आरंभ होकर के दीपक जला करके ठाकुर जी की आरती की गई है, और आज हमारे दंड लेकर के और पिछोला से कलश लेकर के औरतें अपने जाएंगे और सब मंदिर पर जाएंगे, और कल का कार्यक्रम शाम को आरती होगी और कल का कार्यक्रम यज्ञ द्वारा किया जाएगा और व्यक्ति आहुति दी जाएगी, और उसमें है जो यानी सभी है जो पधारेंगे हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग, और विधि पूर्वक है जो पंडित जी द्वारा सारा संपन्न कराया जाएगा, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, ध्वजारोहण करेंगे। हाँ, ध्वजारोहण की जाएगी। बोल सांवरिया सेठ की जय, बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। बोल सांवरिया सेठ की जय, बोल जगन्नाथ की जय, बोल चार भुजा नाथ की जय, बोलो जगदीश स्वामी की जय, बोलो द्वारका नाथ की जय, बोलो एकलिंग नाथ की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। चप्पल वगैरह कहीं खोल दो, जूता वगैरह। हां, अरे जूता वगैरह खोलो तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ठीक लगेगा। मैं अविनाश खटीक चंदेरिया, खटीक समाज पंच महासभा द्वारा 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है, उसमें 3 तारीख को दीप उज्ज्वल कार्यक्रम था, आज 4 तारीख को गणगौर घाट से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। माता और बहनों लगभग 101 कलश लेके यहाँ शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और ध्वजा भी बैंड बाजे के साथ में यहाँ से रवाना होकर ठाकुर जी मंदिर हाथी पोल खटीक समाज के मंदिर पे वहाँ हवन वगैरह आयोजन होगा, और हमारे विधायक पूर्व विधायक जी बंसीलाल जी खटीक जो भाजपा के प्रभारी हैं वो भी पधारेंगे, और जिला कलेक्टर महोदय भी इस कार्यक्रम में पधारेंगे। आप सभी समाज बंधु अधिक से अधिक संख्या में अभी पधारने वाले हैं, और कार्यक्रम की भव्य तैयारी चल रही है। मैं प्रिया खटीक, हमारे खटीक समाज द्वारा आयोजित 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कलश यात्रा निकाली जाएगी गंगोर घाट से लेकर ठाकुर जी के मंदिर तक। सभी महिला 101 कलश निकाले जा रहे हैं, जिसमें है ना सभी महिलाओं ने हमारे खटीक समाज के ने सब ने भाग लिया है उत्साह से। और भी कुछ देखा तो खबर पड़े।